वेलकम बैक टू माई चैनल जेबीयर ऑनलाइन क्लासेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम द एक्साइज वन पॉइंट वन एंड दैट इज सेट्स सो मैं जितना हो सके जल्दी कोशिश करूंगा एक के बाद एक वीडियो अपलोड करने की सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून विथ मी सो यू आर द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेट विच ऑफ द गिविन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो वाट इज सेट अ सेट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ओके जिसका मतलब एक फिक्सड वैल्यू होगा एक सेट का हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा सो यहाँ पर द फर्स्ट वन अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया अ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स हर एक का पसंद अलग अलग होता है किसी पसंद किसी एक के पसंद के साथ दूसरे का पसंद नहीं मिल सकता है इसका मतलब कोई फिक्स्ड एक्टर नहीं है सो दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ नॉट आ सेट ना द सेकेंड वन द कलेक्शन ऑफ इवेन नेचुरल नंबर्स लेस देन फिफ्टी वन अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन फिफ्टी वन तो एक फिक्स्ड एलिमेंट है हर एक के पास एक ये एलिमेंट हो सकता है अगर किसी ने सोचा तो मेरे फिक्स एलिमेंट लेस देन फिफ्टी वन से नीचे कोई भी नंबर लेगा तो एकदम फिक्स नंबर होगा सो दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ओके सो इट्स अ सेट नंबर ने थर्ड वन द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन वन ओके ना कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स अगर लेस देन होगा तो इसका मतलब कोई भी नंबर हो सकता है लेस देन वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे चलता ही रहेगा तो इसका मतलब कोई फिक्स्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है सो so, इसका मतलब नंबर थ्री इज नॉट आ सेट कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाई शेक्सपियर ओके सो नाउ नंबर फोर इज़ ऑल्सो नॉट आ सेट क्योंकि मेरे हिसाब से जो इंटरेस्टिंग बुक लगता है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं लग सकता है इसका मतलब इसका भी कोई फिक्स्ड एलिमेंट नहीं होगा नंबर फाइव द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद अब मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उसका जो उसने जो नोवेल लिखा है इसका मतलब उसने जितने भी नोवेल लिखा है उसका एक फ़िक्स्ड अमाउंट होगा या दो लिखा है या तीन या चार या पाँच कोई भी लिखा है एक फिक्स्ड अमाउंट होगा इसका मतलब ए एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सो इट्स आर सेट नंबर सिक्स द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आप मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट किसके हिसाब से मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से या कि, किसी दूसरे के हिसाब से इसका मतलब इसका भी कोई फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है सो इज़ नॉट आ सेट नाउ नंबर सेवन कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया अब इंडिया में जितना भी नदी है ओके okay, इसका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा दस तो मीन फिक्सड नंबर होगा या तीन या पाँच या दस या बारह कोई भी है इसका एक फिक्स नंबर होगा सो दैट मीन्स इट्स अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ओके सो दैट मीन्स इट्स अ सेट नंबर एट कलेक्शन ऑफ फाइव रिवर्स फॉलोइंग इन सॉरी फ्लोइंग इन इंडिया अब इंडिया का कोई भी पांच नदी का नाम आप ले सकते हैं कोई भी पांच मेरे हिसाब से कोई पांच होगा आपके हिसाब से कोई दूसरा पांच होगा तो इसका मतलब इसका भी कोई फिक्स नंबर नहीं है इसका मतलब फिक्स नेम नहीं है सो इट्स नॉट आ सेट सो नंबर एट इट्स आंसर इज नो नंबर नाइन कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन माइनस वन टू वन ओके सो माइनस वन टू वन इसके बीच में जो रैशनल नंबर है इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है माइनस वन टू वन अगर इसको इसके बीच में जो रेसनल नंबर है अगर उसको लेके हम एक कलेक्शन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड कलेक्शन होगा इसका so, मतलब एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा सो दैट मींस नंबर नाइन इज़ आ सेट नाउ नंबर टेन अ टर्म ऑफ सॉरी अ टीम ऑफ इलेवन बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल ओके अ टीम ऑफ इलेवन बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड सो इट्स नॉट आ सेट ना द लास्ट वन नंबर इलेवन अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड सो इट ऑल्सो नॉट आ सेट क्योंकि कलेक्शन कोई भी हो सकता है मोस्ट डेंजरस का मेरे हिसाब से एक हो सकता है तुम्हारे हिसाब से कोई अलग हो जाए so जब भी किसी पसंद का अगर क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो पॉपुलर सिनेमा और इंटरेस्टिंग um, बुक या मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन आएगा जिसके मन एक के ऊपर एक डिपेंड करता है कि मेरे पसंद क्या है उसका पसंद क्या है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कभी भी कोई सेट नहीं बन सकता है सेट मींस अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ओके जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा हमेशा याद रखना नाउ सब नंबर टू इफ इक्वल टू थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन दैट मीन्स थ्री फाइव सेवेन नाइन इलेवन आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट ए सो नाउ राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेन्शन वाई सो ये आर द फर्स्ट प्रॉब्लम थ्री एलिमेंट्स ऑफ ए इसका मतलब थ्री ए सेट का एक एलिमेंट है सो इट्स येस इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट नंबर टू फाइव नाइन एलिमेंट ऑफ ए यस फाइव एंड नाइन बोथ आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए सो इट दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू नंबर थ्री एट नॉट आ एलिमेंट ऑफ ए अब यहाँ पर थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन है एइट यहाँ पर नहीं है इसका मतलब दिस इज ऑल्सो आ ट्रू स्टेटमेंट नंबर फोर नाइन इज नॉट आ एलिमेंट ऑफ ए पर यहाँ पर नाइन एक एलिमेंट है सेट ए का इसका मतलब इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट नंबर फाइव सेट एलिमेंट ऑफ ए अब यहाँ पर तीन एक एलिमेंट है बट यहाँ पर जो सेकेंड ब्रैकेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इसका मतलब यहाँ पर तीन को लेके जो ए है ए एक सेट है जो सेट का एक ही एलिमेंट है थ्री बट यहाँ पर थ्री इज लाइक एलिमेंट ऑफ दैट सेट ए ओके अब एलिमेंट और सेट एक तो बात नहीं है इसका मतलब द आंसर इज नो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ओके बिकॉज इट्स आ सेट नॉट एन एलिमेंट रिमेंबर दैट लास्ट वन फाइव सेवन इट्स ऑल्सो आ सेट अब दिस ए सेट जो यहाँ पर जो सेट है ए सेट तो ए के बीच में बिलोंग नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर फाइव और सेवन एलिमेंट है ये कोई सेट नहीं है बट दिस वन फाइव सेवन इन सेकेंड बैकेट इट्स अ सेट सो इट्स नॉट बिलोंग्स टू ए सो द आंसर इज अटेटमेंट नाउ सब नंबर थ्री Use the roaster method to represent the following set. So, here the first one the counting numbers which are multiples of 6 and less than 50. So, the multiples of 6, a multiple of 6 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, and 48. As here the less than 50, was that, okay. so that means the last number is 48. So, this is the roaster form. ओके दैट मीन्स तुम्हें एक सेकेंड बैकेट देना है और सेकेंड बैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट को लिखना है दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म नाउ नंबर टू द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज़ वन एंड हुज डिनोमिनेटर इज काउंटिंग नंबर लेस देन टेन ओके सो ये द फर्स्ट फ्रैक्शन दैट मीन्स वन बाई वन सो इट्स वन देन वन बाई टू वन बाई थ्री एंड अप टू वन बाई नाइन एस लेस देन टेन सो लास्ट वन इज़ वन बाई नाइन नंबर थ्री एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन n means here natural number and x is a prime factor of 84. So the factors of 84 are 2, 2, 3 and 7. Okay. And in the roster form you cannot repeat the number. So that's why the prime numbers are here 2, 3 and 7. So write down 2, 3, and 7. Number 4, the set of odd integers lying between minus 4 and 8. Odd integers. Okay. Remember that. Only the odd numbers. So in between minus four to eight. So minus four. After that minus three. Minus is an odd integer. Minus two. It's a even. Then minus one. Then one. Then three. Then five. And there's seven. Only you have to write down the odd numbers. Number five. The set of all natural numbers x for which x plus six is less than ten. Now x plus six is less than ten. Okay. Only the natural numbers. So that means the first one x plus six so if x equal to 1 then 1 plus 6 7 which is less than 1 if x equal to 2 then 2 plus 6 8 which is also less than 1 then 3 plus 6 that equal to 9 which is also less than 1 but 4 plus 10 that equal to 10 sorry 4 plus 6 that equal to 10 which is not less than 9 less than 10 okay so that means here the roster form the elements of that set are 1 2 and 3 नेक्स्ट वन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ एक्स फॉर विच एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन टेन नाउ ग्रेटर देन टेन दैट मीन्स फाइव फ्रॉम स्टार्टिंग द फाइव फाइव प्लस सिक्स इलेवन विच इज़ ग्रेटर देन टेन सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ग्रेटर देन टेन सेवन प्लस सिक्स थर्टीन विच इज़ ग्रेटर देन टेन एंड गो ऑन ओके इसका मतलब एक के बाद एक नंबर आएगा इसका कोई आ, कोई लास्ट वैल्यू नहीं है अब हर एक नंबर टेन से ज़्यादा हो सकता है इसके बाद एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व कोई भी नंबर हो सकता है नाउ नंबर सेवन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स फॉर विच एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन टेन नाउ एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन टेन इन द नंबर फाइव द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यू हैव टू फाइंड बट हियर यू हैव टू फाइंड ऑल इंटीजर्स इसका मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है सो थ्री टू वन जीरो माइनस वन तेन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे चलता ही रहेगा इसका भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है नाउ नंबर एट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स फॉर विच सिक्सटी बाई एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर ओके नाउ सिक्सटी बाई एक्स इज का नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर मीन्स द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दैट्स अ कॉल नेचुरल नंबर्स नाउ सिक्सटी बाई वन इज बिकम वन सिक्सटी बाई टू थर्टी सो नेचुरल नंबर सिक्सटी बाई थ्री इट्स ट्वेंटी नेचुरल नंबर सिक्सटी बाई फोर बट फिफ्टीन इट्स अ नेचुरल नंबर सिक्सटी बाई फाइव ट्वेल्व नेचुरल नंबर सिक्सटी बाई सिक्स टेन नेचुरल नंबर नाउ सिक्सटी बाई सेवन इट्स अ फ्रैक्शन ओके सो इसका मतलब यहाँ पर सेवन नहीं हो सकता है एट भी नहीं हो सकता है नाइन नहीं उसका मतलब टेन होगा देन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी अब इसके बीच में जो नंबर है उसको अगर सिक्सटी से डिवाइड कर सकते हो तो वो सिर्फ फ्रैक्शन ही आएगा कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा नेचुरल नंबर मीन्स वन टू थ्री फॉर अ होल नंबर्स ओके नाउ नंबर नाइन एक्स आज देट एक्स बिलोंग्स टू आई वेयर हाफ माइनस हाफ लेस देन एक्स लेस देन नाइन बाई टू ओके माइनस हाफ लेस देन एक्स लेस देन नाइन बाई टू माइनस हाफ मींस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एंड नाइन बाई टू मीन्स फोर पॉइंट फाइव ओके okay, सो so इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस जीरो पॉइंट फाइव से नाइन फोर पॉइंट फाइव तक ही है अब इंटीजर से इंटीजर मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सो हीयर लेस देन माइनस जीरो पॉइंट फाइव ये स्टार्टिंग है उसके बाद जीरो होगा फर्स्ट नेचुरल नंबर सॉरी फर्स्ट इंटीजर देन वन टू थ्री फोर ओके एज द लास्ट बाउंडेशन इज़ फोर सो हीयर द लास्ट नंबर इज़ फोर सब नंबर टेन एक्स साज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर फोर एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन नाव फोर एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एटीन देन एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एटीन बाई फोर या एटीन बाई फोर मीन्स फोर पॉइंट फाइव दैट मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव इसका मतलब एक्स का वैल्यू फोर पॉइंट फाइव से कम हो सकता है या फोर पॉइंट फाइव का इक्वल हो सकता है अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर ओके सो देट्स वाई द स्टार्टिंग नंबर विल भी वन टू थ्री फोर अप टू फोर

माइनस वन का वन यहाँ पर जीरो का जीरो वन टू थ्री ओके जब भी यहाँ पर फोर आएगा फोर्स का स्क्वायर दीन सिक्सटीन विच इज इक्वल टू बट हियर द गिवन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर लेस देन सिक्सटीन नॉट इक्वल टू सिक्सटीन सो दैट्स वाई माइनस थ्री इज द स्टार्टिंग एंड थ्री इज द एंडिंग सो हियर माइनस थ्री माइनस टू वन जीरो वन टू थ्री सब नंबर थर्टीन द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम ओके द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम सो इन आवर नंबर सिस्टम द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स आर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके रिम्बर दैट यू हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स नॉट ऑल द नंबर्स ओके डिजिट मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आप किसी हर एक डिजिट को लेकर किसी भी एक डिजिट को लेकर हम एक नया नंबर बना सकता है बट डिजिट सिर्फ इन दस ही होगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके okay, इसके अलावा और कोई डिजिट हम लोगों के पास नहीं है नाउ नंबर फोर्टीन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिकोनोमेट्री। ओके सो दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन ओनली द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिकोनोमेट्री बट डोंट रिपीट द लेटर्स ओके यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द लेटर्स ओनली वन टाइम सो हियर टी देन आर आई जी ओ एन ओके इसके बाद एक ओ आएगा अब पहले से यहां पर एक ओ है इसका मतलब दूसरा ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं यू डोंट यूज द रिपीटेड लेटर्स डोंट राइट लेटर्स ओके देन एम देन ई एंड देन वाई लास्ट वन सॉरी सेकेंड लास्ट वन एक्स वी दैट मींस फिफ्टीन द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिडी क्यू प्रिडी क्यूब किसका मतलब है जो क्यू के पहले वाला जो नंबर है वहाँ से आप लोगों को क्या लिखना है नंबर नहीं जो अल्फ़ाबेट है वहाँ से आपको लिखना है सिर्फ द वावल्स लिखना है अब वावल्स क्या क्या होता है ए ई आई ओ यू और यू तो नहीं ले सकते क्योंकि यू क्यू के बाद आता है आपको लेना है क्यू के पहले जो नंबर जो अल्फ़ाबेट आता है उसको ही लेना है सो so यहाँ पर आंसर होगा ए ई आई ओ ओ तक ख़त्म यू नहीं ले सकते हैं ना लास्ट वन एक्स वी आई एक्स दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिस के इसका मतलब के से पहले के से पहले जो भी कॉन्सोनेंट है उसको लेकर एक सेक्ट बनाना है अब पहला स्टार्ट होता है ए बट ए इज़ अ वाइवल सो सेकंड वन इज बी बी इज अ कॉन्सोनेंट सो बी सी डी ई नहीं होगा ई e वावेल है बी सी डी ई देन एफ जी एच आई नहीं होगा देन जे ओके अब के से पहले लेना है इसका मतलब जे इज़ द लास्ट एल्फ़ाबेट So, B, C, D, F, G, H, F, G, H, and then J. Now, sum number 4. In sum number 4, write the following sets in the builder form. Okay, write the following sets in the builder form. So, here the first one is given 1, 3, 5, 7, 9, 11, and 13. Now, 1, 3, 5, 7, 9, 11, and 13 all are the

इन नंबर टू य नंबर था टू फोर सिक्स एट डॉट 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 इसका मतलब एक साज दैट एक्स इज एन ईवेंट नेचुरल नंबर अब एट के बाद डॉट 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 है इसका मतलब इसका कोई लास्ट नंबर नहीं है सो कोई भी इवेंट नेचुरल नंबर हो सकता है नंबर थ्री थ्री सिक्स नाइन टूवेल्व फिफ्टीन नाउ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन इसका मतलब इसका तीन का मल्टीपल है हर एक डिजिट तीन का मल्टीपल है सो दैट्स वाई एक्स आज देट एक्स इक्वल टू थ्री एन वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लेस दैन इक्वल टू फाइव क्योंकि फाइव के अब ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट नंबर फिफ्टीन है अब फाइव के ज़्यादा होगा तो थ्री इंटू सिक्स एट्टीन हो जाएगा सो so इसका मतलब यहाँ पर बाउंडेशन देना होगा सो एन लेस दैन इक्वल टू फाइव नेक्स्ट वन साम नंबर फोर इन साम नंबर फोर टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इज़ द लास्ट नंबर Okay, so here x such that x equal to 2 to the power n. n belongs to n such that n less than equal to 6. Now 2 to the power 1 that means 2, 2 to the power 2 that equal to 4, 2 to the power 3 that equal to 8, 2 to the power 4 that equal to 16. So it's about 32, it's cover 64. Next one, number 5. 5 525, 125, and 625. Okay, so that means as same as sum number 4, x such that. x equal to फाइव to the power n, n belongs to n, and here n less than equal to फोर Now next sum number सिक्स वन फोर नाइन सिक्सटीन dot 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 up to हंड्रेड Okay, so here x सज that x equal to n square. That means हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा और लास्ट नंबर क्या है 100 So दस 10 का स्क्वायर 100 होता है इसका मतलब n less than equal to 10 एज वन फोर नाइन सिक्सटीन ऑल आर द स्क्वायर नंबर्स सो हीयर एक्स आज दैट एन स्क्वायर सेवन वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ना डॉट 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 इसका को, कोई इसका एंड नहीं है सो दैट्स वाई एक्स आज दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू ओनली सॉरी एन बिलोंग्स टू ओनली एन इन मीज नेचुरल नंबर अब इसका कोई बाउंडेशन नहीं है लास्ट वाला का यहाँ पर हंड्रेड लास्ट नंबर था दैट्स वाई एन लेस देन इक्वल टू टेन बट यहाँ पर कोई, कोई बाउंडेशन नहीं है सो so यहाँ पर कोई एन लेस देन नहीं होगा नंबर एट हाफ टू बाई थ्री थ्री बाई फोर फोर बाई फाइव डॉट 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 सो यहाँ पर एक साथ दैट इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन पहला वाला क्या था हाफ वन सो वन बाई टू दैट मीन्स ईयर वन एंड ईयर वन प्लस वन इट्स वन बाई टू सेकेंड वाला क्या था टू बाई थ्री अगर यहाँ पर एन टू होगा सो टू बाई टू प्लस वन दैट मीन्स टू बाई थ्री अगर यहाँ पर थ्री होगा सो थ्री बाई थ्री प्लस वन दैट मीन्स थ्री बाई फोर ऐसे ही चलता रहेगा फ्रैक्शन को इसका भी कोई एंड नहीं है सो ओनली एन साज दैट सॉरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नाउ नेक्स्ट सम नंबर फाइव विच आर द फॉलोइंग आर द एगाम्पल ऑफ द नाल सेट विच आर द फॉलोइंग आर द एगाम्पल ऑफ द नाल सेट नाल सेट का मतलब कहता है इसका मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा बिल्कुल जीरो होगा फर्स्ट वन सेट ऑफ इवेन प्राइम नंबर्स सेट ऑफ इवेन प्राइम नंबर्स अब एक ही इवेन प्राइम नंबर है वो है नंबर टू नंबर टू इज़ द ओनली इवेन प्राइम नंबर इसका मतलब ये वाला कोई नाल सेट नहीं है इसके पास एक एलिमेंट है सो द आंसर इज नो नेक्स्ट वन सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई टू अब ऑड नेचुरल नंबर्स और वो भी डिविजल बाई टू डिविजल बाई टू कौन हो सकता है डिविजल बाई टू वही नंबर हो सकता है जो सिर्फ एक ईवेंट नंबर है इवेन नंबर कैन बी डिविजल बाई टू ओके सो दैट इट्स अ नाल सेट सो दैट वन इज यस नंबर थ्री सेट ऑफ ऑल इंडियन किड फाइव मीटर टॉल ओके अब सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स फाइव मीटर टॉल अब किड्स फाइव मीटर टॉल तो कभी भी नहीं हो सकता है इसका मतलब इट्स अ नाल सेट सो यस फोर्थ वन एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस दैन फाइव एंड एक्स ग्रेटर दैन एट एक्स लेस देन फाइव एंड ऑल्सो एक्स ग्रेटर देन एट कैसे हो सकता है एक्स का वैल्यू पाँच से नीचे होगा एंड एक्स का वैल्यू आठ से भी ऊपर होगा पाँच से नीचे होगा जो वाला वैल्यू है वन टू थ्री फोर अब पाँच से ऊपर वाला अगर आठ से ऊपर होगा यानी एट नाइन टेन अब वन टू थ्री फोर कैसे एट नाइन टेन हो सकता है इसका मतलब ए भी एक नाल सेट है सो नंबर फोर इज नॉल सेट नंबर फाइव एक्स साज दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरल स्टेट लाइन कॉमन टू एनी टू पैरल स्टेट लाइन अब पैरल स्टेट लाइन क्या हो सकता है इसका मतलब ये वाला दो स्टेट लाइन है अब पैरल स्टेट लाइन का कोई तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है कॉमन पॉइंट तभी हो सकता है जब एक स्टेट लाइन दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा जैसे ए वाला एक कॉमन पॉइंट हो गया बट पैरल स्टेट लाइन वर इंटरसेक्ट ईच अदर

So, see, पहला वाला ही एक सेट होगा बाकी ऑल द एंसर्स आर नाल सेट दैट दीन्स ऑल द एंसर आर एस नाउ नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट ओके फाइनाइट मीन्स जिसका एक फिक्स नंबर होगा और इनफाइनाइट मींस जिसका कोई फिक्स नंबर नहीं है अब गिन के कभी खत्म कर ही नहीं सकते सो so, यहां पर पहला नंबर फाइन नंबर वन द सेट्स ऑफ द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक वीक में कितना डेज होता है सेवन डेज सो इसका मतलब फाइनाइट नंबर है सो फर्स्ट वन इज अ फाइनाइट सेट सेकेंड वन द सेट ऑफ नंबर मल्टीपल्स ऑफ सेवन अब मल्टीपल्स ऑफ सेवन का तो कोई फिक्स नंबर नहीं है सेवन इंटू टेन हो सकता है सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सेवन इंटू फोर्टी अब ऐसा चल के एक लाख दो लाख तीन लाख जितना भी हो सकता है इसका मतलब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है फिक्स नंबर है वैल्यू है फिक्स नंबर नहीं है ये कितना मल्टीपल्स होगा सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट थर्ड वन द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ ओके अब कितना एनिमल्स सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ इसका एक फाइनाइट वैल्यू है ओके सो दैट मीन्स इट्स अ फाइनाइट सेट द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट डेफिनेटली इट्स अ फाइनाइट सेट द सेट ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन अ प्लेन इट्स अ इनफाइनाइट कितना भी आप सर्कल ड्रॉस कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसा करके कोई फिक्स नहीं है सो इनफाइनाइट नाउ द लास्ट वन द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन वन करोड़ डेफिनेटली इट्स अ फाइनाइट सेट नाउ नंबर सेवन इन नंबर सेवन फाइंड द कर्डिनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट कार्डिनल नंबर मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट

वन टू टू वन थ्री कितना एलिमेंट है यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ तीन एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है वन टू एंड थ्री ओके सो द कार्डिनल नंबर इज़ थ्री यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वन है दो टू है, है इसका मतलब ये नहीं है आप हर एक को काउंट कर सकें क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है जब भी आप सेट का कोई एलिमेंट काउंट करें उसमें जो नंबर रिपीट हुआ है उसको दोबारा काउंट नहीं कर सकते सो देयर इज नो रिपीटेशन इन काउंटिंग so the number of elements that means cardinal number here is only three as one two and three are the elements number four the set of all indians having eight legs eight legs okay so the answer is zero now number five the set of all letters in the word principle okay all letters in the word principle so how many numbers or how many letters are there it's seven Repetition not allowed. That's why it's 7. Set of all vowels in the word principle. So the vowels are how many vowels are there? Only 2. I and A. Okay, so the answer is 2. That means cardinal number is 2. Sum number 8. Number 1. Write the cardinal number of the set where a equal to x such that x is a two-digit number

एट्टी इसका मतलब हर एक नंबर जिसका दो डिजिट है और दो डिजिट ऐड करने के बाद एइट आएगा रिजल्ट सो नाउ यू हैव राइट डाउन द कार्डिनल नंबर्स दैट मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो एट एलिमेंट्स आर देयर इन दैट सेट सो द कार्डिनल नंबर विल बी एट नाउ नंबर टू राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स फॉर विच 30 by x is a natural number now 30 by x is a natural number here 30 by 1 30 by 2 30 by 3 30 by 5 30 by 6 30 by 10 30 by 15 and 30 by 30 okay in all that case that all the numbers are divisible by 30 okay sorry so here that means each and every one is a natural numbers so, here how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 numbers are there. So, the, the cardinal number here is 8. Number 3. What is the cardinal number of the set X? Where X such that is a letter in the word Chandigarh. Okay. So, here C, H, A, N, D, I, G, and R. Okay. G and how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only 8 letters are there. So here the cardinal number is 8. And again said that no repetition will be allowed here. Okay, that's why only C, H, A, N, D, I, G, and R. Now, sum number 9. Match each of the set of the left described in roster form with the same set on the right described in set builder form. So here the set and element are 2 and 3. Okay. And here in number B is a prime divisor of 6. So 2 and 3 is a prime number and also the divisor of 6. So first one is equal to with B. Now number 2, 5 and minus 5. 5 and minus 5. Here in 3. Uh, x is a root of the equation x square minus 25 equal to 0. So that means x square equal to 25. So x equal to 5 and minus 5. So number 2 is equal to with number E. Number 3, 1, 3, 5. 1, 3, 5. Now here, x is an odd natural number less than 6. Odd natural number less than 6. And that is 1, 3, and 5. So number 3 equal to with number D. Number 4, 1, 2, 3, 6. Okay, 1, 2, 3, 6. So here X belongs to N and is a divisor of 6. Now 1, 2, 3, 6, all are the divisor of 6. So that means number 4 is equal to number A. So the last one, T E L I. Okay, T E L I are the elements, and here in C X is the letter in the word little. So here L I T and E. So L -I -T -E i t and e that means 5 is equal to with c now sum number 10 state which of the following statements are true and false justify your answer number 1 37 is not the element where the set x has exactly two positive factor okay so as the factors of 37 are 1 and 37 so that means 1 and 37 itself so that means 37 belongs to that set but here 37 not belongs to this one so it's a false statement number two 35 belongs x such that x has exactly four positive factors so the factors of 35 are 1 5 7 and 35 so there are four positive factors so that means the statement is true 496 belongs where y such that the sum of all positive factors of y is 2y the sum of all positive factors. So, whenever you have to find out the factors of 496, and then you will get the sum of all positive factors is 2 y. So, that means here the answer is true. Now, the last one 10 4. In ten four, here 3 not belongs to x such that x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus. 112x 1, 1, plus 6 equal to 0. So it's also a true statement. Now the last one, number 11. So if you like my video, please please share this video with your friends, with your family members. Okay. And please support me. So here in sum number 11, classify the following sets into finite set and infinite set. In case of finite set, mention the cardinal number. द फर्स्ट वन एक्स आज दैट एक्स बिलोंग्स टू आई एंड एक्स लेस देन फाइव एक्स आज दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आई मीन्स इंटीजर्स एंड लेस देन फाइव अब लेस देन फाइव का इंटीजर क्या हो सकता है फोर थ्री टू वन जीरो और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कोई भी हो सकता है इसका मतलब इसका कोई एंड नहीं है सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट नंबर टू एक्स आज देट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एक्स इज डिविजल बाई फोर एंड नाइन एक्स दैट x बिलोंग्स टू w एंड x इज़ डिविजल बाई 4 एंड 9 अब W मीन्स होल नंबर अब फोर एंड नाइन दोनों मिला के दैट मीन्स फोर इंटू नाइन थर्टी सिक्स इसका मतलब थर्टी सिक्स से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल हो सकता है तो वो बिल्कुल फोर एंड नाइन से भी डिविजिबल होगा अब इसका भाई कोई फिक्स नंबर नहीं है ओके okay, जितना भी हो सके कोई एंड नहीं है सो दैट्स वाई इट्स एन इनफाइनाइट सेट नंबर थ्री एक्स इज एन इवेंट प्राइम नंबर ग्रेटर दैन टू अब इवेंट प्राइम नंबर एक ही है वह है नंबर टू अब उसके ज़्यादा कोई नहीं है देयर इज़ ओनली वन इवेंट प्राइम नंबर दैट इज़ नंबर टू इसके अलावा और कोई इवेंट प्राइम नंबर नहीं है सो इट्स आर नाल सेट नंबर फोर एक्स आज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एट्टी फोर

now 3x minus 7 less than equal to 8 that means 3x less than equal to 15 so x less than equal to 5 so that means it's a finite set and the cardinal number is 6 number 7 x equal to 5n n belongs to capital n and x x less than 20 it's also a finite number The finite number of set so and here the cardinal number is 3 as 3 into 1 3 3 sorry 5 into 1 5

and n less than equal to 10 it's a finite number so that means a finite set so here then cardinal number is 11 now number 10 that is the last one x equal to 2n by n plus 3 n belongs to natural number and 5 less than n less than 20 that means here n has a boundation okay so if there is a boundation so that means the set will be a finite set and here the cardinal number will be 14